क्योंकि इलेक्शन हो गया तो उसके बाद भी अगर आपको देखना चाहिए वाकई आप लेके आए असेंबली में कि जी आइंदा से जो सेनेट के इंतखाबात होंगे वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे, देखते हैं कि ऑपोजिशन क्या करती है। अगर आपकी पोजीशन है तो आपको अब ये अर्ली कर लेना चाहिए बजाय इसके कि इस पर अब डिले किया जाए फौरी तौर पर। मगर मैं अभी भी जानना चाह रहा हूं कि उन 16 एमएनएस का आप लोगों को पता है या नहीं पता। नहीं पता तो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपका हाई मॉरल ग्राउंड तो तभी आएगा कि आप यूसुफ गिलानी के खिलाफ कार्रवाई का मुकाबला करेंगे जब आप अपने 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कि हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जो कि ना एथिक्स में बिलीव करते हैं, ना उनके लिए कोई चीज अनफेयर है, ना कोई उनके लिए एक पैसे का इस्तेमाल, उनका धौंस का इस्तेमाल, ये तो आप उनसे पूछें। लेकिन मेरा एक आखिर में सवाल आपको, ये मैं जरूर पॉइंट छोड़ूंगा कि यूसुफ रजा गिलानी को, जिसका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया, उसको आज मॉरल अगर अथॉरिटी होती ना, या मॉरल करेज होती, या जो ऑब्लिगेशन होती, मॉरल ऑब्लिगेशन होती, वो आज खुद ही इस इलेक्शन से स्टेप डाउन कर देता। यही काम अगर आप यूरोप में करते, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि उनके साथ क्या हशर होता, और वो जो है तो हमेशा से सियासत से ही आउट हो जाते। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अली हैदर गिलानी के साथ जो हुआ और जो वीडियो आई है, अगर ये यूरोप में होता तो वाकई बिल्कुल कार्रवाई होती। उसी तरीके से जो डस्का में हुआ, अगर यूरोप में होता तो उस पार्टी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती। जो बलूचिस्तान में हुआ कि आपके अपने लोगों ने कहा और उसके बावजूद उस आदमी को टिकट दिया गया और आज वो जीता, बहुत सख्त कार्रवाई होती। जो सिंध में हुआ, अब लोग साहब को फिर भी टिकट दिया गया पार्टी के अंदर से आवाज उठी तो सख्त कार्रवाई होती। जो कार्रवाई हर जगह हैदर गिलानी के खिलाफ भी होनी चाहिए। आप अगर हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं, दूसरों को अखलाकियात बता रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ कि यूरोप में इस पर भी होता। आपको करते हैं सपोर्ट, आप कीजिए कार्रवाई, आपको सपोर्ट मिलेगी। मगर ये नहीं हो सकता कि डस्का के इलेक्शन के बाद, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि डस्का के इलेक्शन के बाद अगर आप इलेक्शन कमीशन को ये कहेंगे कि हम जीत गए नतीजे अनाउंस करो, हालांकि वीडियो सामने आई हो, मगर इनकी वीडियो सामने आई हो, तो आप कहें कि इलेक्शन कमीशन इनको स्टेप डाउन कराए, तो डुअल स्टैंडर्ड होगा ना, पुलिस की बढ़तरी नहीं है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया पर चीज पर सपोर्ट करे? मैं इसका जवाब देता हूं। नहीं, मुझे जवाब देने दे, आपने सवाल किया है। जहां तक डस्का का ताल्लुक है तो वजीराबाद का भी इलेक्शन का जिक्र करें।